पॉलीमराइजेशन के क्लासिफिकेशन में जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो मोनोमर्स हैं जो जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं, उनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन काम कर रहा होता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये अट्रैक्शंस अलग अलग तरह के होते हैं। कई बार ये अट्रैक्शन वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो कई बार ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड या डायपोल डायपोल अट्रैक्शन भी हो सकता है। और कुछ वैरायटी ऐसे भी पढ़ेंगे जिसमें थर्मोप्लास्टिक जिसके एग्जांपल है, थर्मोसेटिंग जिसके एग्जांपल है, जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना तो इलास्टोमर की तरह बहुत वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ना ही फाइबर्स की तरह स्ट्रांग डायपोल डायपोल या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इनमें ही अट्रैक्शन इसलिए डिस्कस किए जाते हैं क्योंकि इनके ही अट्रैक्शन फाइनली एक पॉलीमर की प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। ये प्रॉपर्टीज बहुत सारे तरह की हो सकती हैं। टफनेस है, हार्डनेस है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी है, कितनी सेवियर एंड टीयरिंग कैपेसिटी है, सारी ये प्रॉपर्टी अल्टीमेटली इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा काम कर रहा है। जैसे पहली वैरायटी हमने डिस्कस की है इलास्टोमर, इसमें बहुत ज़्यादा वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और ये वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पढ़ा कि इसकी नॉर्मल लेंथ के 10 गुना तक स्ट्रेच करने के लिए अलाउड करता है। और इस तरह स्ट्रेच करने की जो कैपेसिटी है वो टूट नहीं रहा है, बराबर से स्ट्रेच करते चले जा रहे हैं, मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है। मगर ये जो स्ट्रेच करने की कैपेसिटी है, अगर स्ट्रेच छोड़ दिया जाए और यदि कोई चीज़ अपनी वापस ओरिजिनल लेंथ, अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाए, तो वही प्रॉपर्टी कहलाएगी इलास्टिसिटी। उसमें अच्छी इलास्टिसिटी है, आप उसे अच्छे से खींच पा रहे हैं, टूट नहीं रहा है, उसमें कैपेसिटी है कि आप उसे अच्छे से खींच पा रहे हैं, तो वो टूट नहीं रहा है। पर 10 times ज़्यादा खींच पाना, इसका मतलब उसमें अट्रैक्शन वीक है जिसने 10 times ज़्यादा खींचने की आपको परमिशन दी। अगर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जैसे फाइबर होती है, तो आप उसको इतनी लंबी लेंथ तक नहीं खींच पाते। तो वीक अट्रैक्शन वंडरवॉल है जिसने अलाउ किया कि वो खींचे। लास्ट में हमने पढ़ा कुछ इंटरलिंक्ड इस एमोरफस स्ट्रक्चर में कुछ इंटरलिंक्ड केमिकल बॉन्डिंग होती है जो उसे वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में लाने में मदद करती है। तो शेप में स्ट्रेच होना और फोर्स छोड़ देने पर वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में आना, ये प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी, और इसी से वर्ड आया इलास्टोमर। तो ये जो हमारे इलास्टोमर हैं जिनमें कैपेसिटी है कि आप इन्हें इनकी नॉर्मल लेंथ से कई गुना ज़्यादा तक खींच पा रहे हैं, जिनमें इनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, और इसका हम जो एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं वो है रबर। रबर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ये प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है कि इसमें ये कैपेसिटी है कि हम इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, और जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो हमारा ये जो अगर रबर है तो स्ट्रेच होके लंबा हो जाएगा, और जैसे ही फोर्स छोड़ेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल लेंथ में और शेप में और साइज में दोबारा वापस आ जाएगा। ये रबर बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं, ये नेचुरल रबर भी हो सकते हैं जो नेचर में रबर ट्रीज होते हैं उससे मिलते हैं नेचुरल रबर, या फिर इनकी एक वैरायटी और होती है सिंथेटिक रबर। इनके नाम से ये बात क्लियर है कि नेचुरल रबर वो है जो नेचर में मिल जाता है, और सिंथेटिक रबर वो है जिसे आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है। और डेफिनेटली हम कोई चीज़ आर्टिफिशियली तब करते हैं यदि हमारे पास जो कंपाउंड है ऑलरेडी वो हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा। तो पहले हम ये देखेंगे कौन से ऐसे रबर हैं जो नेचुरल रबर की कैटेगरी में आते हैं, कौन से ऐसे रबर हैं जो सिंथेटिक रबर की कैटेगरी में आते हैं। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि नेचुरल रबर में कौन सी वो कमियाँ हैं जिन्हें सिंथेटिक रबर में दूर किया जा सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल रबर के साथ। नेचुरल रबर, ये जो नेचुरल रबर है इसे हम रबर प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो रबर प्लांट होता है, पहले हमें देखते हैं ये रबर प्लांट होता है, इसमें एक सीजर लगाकर, एक घाव लगा कर कहना चाहिए, हम एक वाइट कलर का लिक्विड मिलता है जिसे हम लेटेक्स कहते हैं। सबसे पहले रबर प्लांट से, इसके तने से हमें एक वाइट कलर का लिक्विड मिलता है जिसे हम लेटेक्स कहते हैं, और इस लेटेक्स से नेचुरल रबर बनाने के लिए हम इसे कुछ केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं। हम इसे ट्रीट कर सकते हैं इधर फॉर्मिक एसिड,
और एसिटिक एसिड। और जब हम इसे फॉर्मिक या एसिटिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं कोएगुलेशन। ये नाम हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कोलाइडल सॉल अगर है जो स्टेबल है और जिसे हम कोएगुलेट करना चाहते हैं या प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं, तो उसके स्टेबिलिटी की वजह उसके चार्जेस होते हैं, तो उसको कोई ऐसी चीज़ मिलाते हैं जिससे उसके चार्ज न्यूट्रल हो जाए। चार्ज न्यूट्रल होते ही वो एक स्कम बना देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं जो इनसॉल्युबल होता है, हमको प्रेसिपिटेट के रूप में मिल जाता है। तो लेटेक्स का हम कोएगुलेशन करेंगे, वाइट लिक्विड जो हमें मिला है हम इसका कोएगुलेशन करने वाले हैं। ये लेटेक्स एक वाइट कलर का लिक्विड है जो हमें एक प्लांट से मिलता है जिसे हम कहेंगे रबर प्लांट। जैसे इसे कोएगुलेट करो हमें एक सॉफ्ट और स्टिकी मास मिलता है। स्टिकी मतलब थोड़ा सा वो चिपचिपा होगा, जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं फेविकॉल जो होता है। फेविकॉल जब सूख जाता है या फिर बहुत समय बाद अगर इस फेविकॉल यूज़ करो, जो फर्स्ट लेयर होती है उसकी थोड़ी सी स्टिकी होती है और सॉफ्ट भी होती है, तो ऐसा कुछ हो जाता है हमारा सॉफ्ट एंड स्टिकी। ये थोड़ा सा सॉफ्ट और स्टिकी हो जाता है, तो इसके कोएगुलेशन से हमें मिलेगा एक सॉफ्ट एंड स्टिकी मास। इस सॉफ्ट एंड स्टिकी मास की अपनी प्रॉपर्टी होती है, लाइक इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, डाइल्यूट एसिड्स एंड डाइल्यूट बेस, बट ये जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं सब में घुल जाता है। पढ़े होंगे आपने क्लोरोफॉर्म आता है उस कैटेगरी में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं, इथर आता है, बेंजीन आता है, तो कहीं ना कहीं अपना कोवेलेंट नेचर दिखा रहा है, क्योंकि ना तो ये वाटर में घुलता है, ना तो ये डाइल्यूट एसिड्स में घुलता है और ना ये डाइल्यूट बेस में घुलता है, ये घुलता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, इसकी एक प्रॉपर्टी तो ये है। सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये घुलता नहीं है पानी पर, पर स्पंज जैसे खूब सारे पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, वैसे इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। इट हैज कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब हमारा ये जो सॉफ्ट एंड स्टिकी मास है इसे फाइनली जब हम लोग प्रेस करते हैं अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर, तो हमें इससे जो रबर मिलता है, एंड दैट रबर इज कॉल्ड नेचुरल रबर। अभी प्रोसीजर हुई कि हमने एक रबर प्लांट होता है उसको सीजर किया, उससे वाइट लिक्विड बना, जिसे ट्रीटमेंट किया अलग अलग तरह से, जिससे हमें नेचुरल रबर मिला। पर जैसे हम पढ़ते हैं अभी तक कि ये जो रबर होते हैं वो उनका मोनोमर क्या होता है, कैसे जुड़ रहे हैं वो एडिशन से, कंडेंसेशन से बेसिकली। तो अगर हम इस नेचुरल रबर का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं ये जानने के लिए कि इसका मोनोमर कौन है, हम ऐसा कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो अगर हम इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें इसकी एक मोनोमेरिक यूनिट मिलती है, और वो मोनोमेरिक यूनिट जो होती है वो होती है ये। इसे अगर हम कॉमन नेमिंग में बोले तो इसे आइसोप्रीन कहा जाता है। इट्स नेम इज आइसोप्रीन। और यदि मैं इसका आईयूपीएसी नेमिंग बोले तो ये होती है 2-मिथाइल वन कॉमा 3 ब्यूटा डाइईन, या ब्यूटा 1,3-डाइन भी कहते हैं इसको। ये इसकी मोनोमेरिक यूनिट जो आपस में जुड़ी हुई है, जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें पाई बॉन्डिंग है, मतलब ये एडिशन पॉलीमराइजेशन दिखाएगा, इसमें अपनी पाई बॉन्डिंग को तोड़ के जुड़ेगा।
तो हम इसको जोड़ के हम इसका मोनोमर बना पॉलीमर बनाते हैं और जो कहलाएगा नेचुरल रबर। इसको फॉर्म कैसे करेंगे, अब सपोज़ हमने एन यूनिट्स लिए इसकी, बेसिकली हम बताएं बात करें कि इसे हम आइसोप्रीन कॉमन नेम में जानते हैं, अगर इसके आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें तो इसके आईयूपीएसी में हमको दिख रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट और थ्री पोजिशन पे है, तो वी कैन कॉल इट बाय टू नेम्स, वन इज आइसोप्रीन एंड वन इज टू मिथाइल वन कॉमा थ्री ब्यूटा डाइन। और एक तरीका और होता है ब्यूटा वन कॉमा थ्री डाइन। ये नाम मैंने भी इसलिए लिखा क्योंकि इसके लिए एक नाम वर्ड यूज़ किया जाता है स्टेट्स में, जब पूछे जाते हैं तो गलती होती है उसमें, अक्सर ये स्टेटमेंट लिया जाता है इट इज़ ए वन थ्री डाइन बाई एच ओ वन फोर एडिशन। अब जब ये पॉलीमर बनेगा तो हमें क्लियर होगा कि स्टेटमेंट का क्या मतलब है और कैसे स्टेटमेंट सही है। खैर, अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर हम जब इसे ट्रीट करेंगे तो हमें जो रबर मिलेगा वो नेचुरल रबर होगा, पॉलीमर बन जाएगा। ये एक पाई बॉन्ड टूटेगा, ये एक पाई बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये दो पाई बॉन्ड ढूंढने से चार की वैलेंसी खाली हुई है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो ये जो सेकेंड और थर्ड है ये तो आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे और जो वैलेंसी खाली हो जाएगी वो फर्स्ट की खाली हो जाएगी और फोर्थ की खाली हो जाएगी। तो इन दोनों तो डबल बॉन्ड बना लिया, अपनी अपनी वैलेंसी जो खाली हुई थी और जो वैलेंसी आगे पीछे की खाली हो गई है ये मदद करेगी बाकी के मॉलिक्यूल को जोड़ने में। तो देखिएगा यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था वो कौन सी पोजीशन पे था, वन एंड थ्री, मगर अब ये जो एडिशन शो कर रहा है बाकियों से जुड़ने के लिए वो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन को यूज़ कर रहा है। तो ये जो नेचुरल रबर है इस रबर में एडिशन क्या कहलाएगा, वन फोर एडिशन। इसलिए यहाँ पे एक नाम यूज किया जाता है और वो ये यूज किया जाता है रबर के लिए कि दिस रबर इज अ वन थ्री अनसैचुरेटेड एल्कीन वेल एडिशन इज वन फोर एडिशन। ये बात क्लियर है कि वाई इट इज कॉल्ड वन थ्री डाइन वेल एडिशन इज वन फोर एडिशन। तो जो स्टेटमेंट यूज किया जाता है वो कुछ ऐसा यूज किया जाता है इज वन फोर एडिशन इट इज वन कॉमा फोर एडिशन, क्योंकि जब बॉन्ड आगे जुड़ेंगे पॉलीमर बनाने के लिए फर्स्ट और फोर्थ है, बाय वन कॉमा थ्री डाई। तो ये याद रखिएगा कि जिस डाइन से बना है उसमें फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, पर जब वो जुड़ रहा है तो फर्स्ट और फोर्थ से जुड़ रहा है, देयरफॉर इट्स कॉल्ड वन थ्री डाइन और एडिशन वन फोर एडिशन। इसके अलावा इसको लेकर इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में कहा जाता है इसमें कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से सिंथेटिक रबर ज़्यादा बेटर माना जाता है। उस कमी में पहले तो बात कर दें, ये क्रिस्टलाइन कहलाता है या एमोरफस कहलाता है। तो हमने कहा था जो अरेंजमेंट होता है इनका हैपेजर्ड होता है, तो ये जो होता है वो नॉन क्रिस्टलाइन है, ये एमोरफस का एग्जाम्पल है और साथ में ये इलास्टिक भी है। ये नॉन एमोरफस, ये एमोरफस या नॉन क्रिस्टलाइन वो इलास्टिक तो है, मगर इसमें एक कमी है वो ये है कि इसमें ज़्यादा स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर आप इसे ज़्यादा ज़ोर से खींचते हैं तो इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं है, ईजिली टॉर्न हो जाएगा, टॉर्न का मतलब टूट जाएगा, इट डू नॉट हैव मच स्ट्रेचिंग कैपेसिटी, ये इसकी कमी है, इट डू नॉट हैव मच स्ट्रेचिंग कैपेसिटी। ये इसकी कमी, आप इसे बहुत ज़्यादा नहीं खींच सकते क्योंकि अगर हमने इसे ज़्यादा खींचा है तो ये टूट जाएगा, तो डू नॉट हैव मच स्ट्रेचिंग कैपेसिटी, इसे बहुत ज़्यादा खींचने की कैपेसिटी हमारे पास नहीं होती। और
इसके अलावा हम इसका एक स्ट्रक्चरल फॉर्म देखना चाहते हैं जो इसको कंपेयर करेगा, क्योंकि जो नेचुरल रबर है वो दो तरह के हैं, एक तो रबर प्लांट से मिलता है और एक कहलाता है गट्टा परचा, ये भी एक प्लांट का नाम है जिसे गम प्लांट कहते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों का ही मोनोमर आप देखेंगे सेम है, पर इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल डिफरेंस है, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फ़र्क है। ये जहाँ सिस का एग्जाम्पल होता है वो ट्रांस का एग्जाम्पल होता है, ये भी नॉन क्रिस्टलाइन है वो भी नॉन क्रिस्टलाइन है। सिमिलर बात करें तो वो भी एक प्लांट से मिले, एक सब्सटेंस है रबर प्लांट से, जो सेकेंड बताऊंगी मैं आप लोगों को वो भी रबर प्लांट से, उस रबर प्लांट का नाम है गम प्लांट, गट्टा परचा ऐसे कहते हैं ग्रीक में। उसका मोनोमर भी आइसोप्रीन होता है, जो अगला पढ़ने वाले उसका मोनोमर भी आइसोप्रीन होता है। हमारा ये भी नॉन क्रिस्टलाइन है वो भी है, फ़र्क कहाँ था, एक तो ये इलास्टिक है, पर हम जो दूसरा पढ़ने वाले हैं जो गट्टा परचा से मिलता है वो नॉन इलास्टिक होता है, और ये सिस का एग्जाम्पल है पर वो ट्रांस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसका, तो अगर हम इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ ऐसा बनता है। ये कार्बन है सिंगल सिंगल बॉन्डेड, आईयूपीएसी में से इनके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताए जाते हैं। ये जो बॉन्ड है वो मिथाइल ग्रुप को शो कर रहा है, ये एक डबल बॉन्ड और ये एक डबल, और जब ये पॉलीमरिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए चेंज होते हैं तो हमने देखा कि इनका ये जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाता है, और ये जो पाई बॉन्ड है वो टूट के जो बॉन्ड बनाता है वो इन दोनों के बीच में बनाता है, तो जो नेक्स्ट बॉन्ड आएगा वो स्ट्रक्चर आएगा वो इस तरह आएगा। ये पाई बॉन्ड बीच में आ चुका है, इसकी एक वैलेंसी यहाँ से खाली हो चुकी है, इसकी वैलेंसी खाली हो चुकी है, और ये हो गया मिथाइल। ये आ गया इसका मोनोमेरिक फॉर्म, और ये जो दो हैं वो इसकी फ्री वैलेंसी शो कर रही हैं जो इसको आगे जोड़ने में मदद करेंगे, और हम इसे सिस फॉर्म कहते हैं क्योंकि ये और ये कार्बन दोनों सेम साइड में। और जब हम ट्रांस बनाते हैं तो ट्रांस में पोजीशन कुछ डिफरेंट होती है, जैसे अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लूँ, ये डबल बॉन्ड, और ये मैं इसे ऊपर ले जाऊँ ये फ्री वैलेंसी दिखाने के लिए, और अगर आप देखें तो दोनों का ही स्ट्रक्चर एकदम सेम है, फर्क ये है कि कार्बन यहाँ अपोजिट साइड में, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये कार्बन। ज्योमेट्रिकल आइस में पढ़ते हैं कि पाई बॉन्ड के अलाउ यदि कार्बन अपोजिट साइड में या आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड में, दैट इज कॉल्ड ट्रांस, क्योंकि हम ये जानते हैं इनमें ये हाइड्रोजन भी होंगे और इसका जो हाइड्रोजन है वो अपोजिट साइड में होगा, जबकि इनके जो हाइड्रोजन होंगे, इसमें एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसका जो हाइड्रोजन होगा वो ऊपर की तरफ है, जबकि दोनों सी नीचे की तरफ है, तो दैट फॉर्म इज कॉल्ड सिस फॉर्म एंड द बिलो फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांस फॉर्म। तो ये हो गया सिस फॉर्म, और ये जो फॉर्म हो गया वो हो गया ट्रांस फॉर्म। जैसे कि मैंने कहा इट इज़ नॉन क्रिस्टलाइन, इट इज़ इलास्टिक, बट इसकी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है स्ट्रेचिंग की, आपने ज़्यादा जोर से खींचा टॉर्न हो जाएगा, टूट जाएगा। पर यदि हम इसका जो नेक्स्ट एक और नेचुरल रबर आने वाला उसके साथ कंपेयर करें तो एक कंपैरिजन आता है कि इसका सिस स्ट्रक्चर होता है, उसका ट्रांस स्ट्रक्चर होता है। तो सिस को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें से बॉन्ड्स की मदद से पोजीशन बताई होती है, ना तो कार्बन दिखाया जाता है ना तो हाइड्रोजन दिखाया जाता है। आप उसे इस तरह समझ सकते हैं, दिस इज अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और आप उसे इससे कंपेयर कीजिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये जो एक ग्रुप रखा है ये मिथाइल ग्रुप हो गया और ये दो डबल बॉन्ड हो गए। जैसे कि हमने देखा जब ये बनते हैं तो ये पाई बॉन्डिंग टूट जाती है, उसी तरह यहाँ पाई बॉन्डिंग टूट गई है। पाई बॉन्डिंग के टूटते ही हमने देखा फर्स्ट और फोर्थ कार्बन में फ्री वैलेंसीज आ जाती है जिससे वो जुड़ते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज़ द फोर्थ कार्बन, और ये जो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन है इसमें फ्री वैलेंसी आ चुकी है, और दिस इज सेकेंड और थर्ड कार्बन जिसमें दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। तो सेकेंड और थर्ड में पाई बॉन्ड आ चुका है उस तरह, और ये फर्स्ट और फोर्थ की वैलेंसी फ्री हो चुके हैं जिसके कारण हम कहेंगे इसे वन फोर एडिशन। और जब इस तरह के एन स्ट्रक्चर आपस में जुड़ेंगे, इसके एन स्ट्रक्चर के जुड़ने पर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, देखिएगा एन स्ट्रक्चर मतलब काफ़ी सारे स्ट्रक्चर जुड़ चुके हैं। ये मिथाइल ग्रुप हो गया जो सेकेंड कार्बन पे बॉन्डेड है, ये सेकेंड कार्बन का डबल बॉन्ड हो गया, इस पे नीचे एक
कार्बन है फर्स्ट नंबर का, जिस पे एक वैलेंसी खाली है। उसके बाद ये हो गया नीचे कार्बन, ये फोर्थ नंबर का, जिस पे एक वैलेंसी खाली। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो ये इसकी फ्री वैलेंसी। अब ये फ्री वैलेंसी इसको जुड़ने में मदद करेगी नेक्स्ट यूनिट से, जो नेक्स्ट सिमिलर यूनिट से। तो अगर नेक्स्ट सिमिलर यूनिट देखें तो अगेन ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये फर्स्ट, तो ये इसका फोर्थ कार्बन और ये इसका सेकंड कार्बन, ये आपस में जुड़ रहे हैं। दिस इज द फोर्थ कार्बन एंड दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन। और जैसे कि हम देखा सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। उसके बाद हम आए फोर्थ कार्बन पे, जिसकी एक वैलेंसी खाली। अब ये फोर्थ कार्बन अब अगेन सेकंड के फर्स्ट से जुड़ेगा, नेक्स्ट यूनिट के फर्स्ट से जुड़ेगा। तो ये सेकंड यूनिट जिसके फर्स्ट कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये सेकंड कार्बन अगेन देखिए थर्ड से डबल बॉन्डेड है। फिर ये नीचे आए फोर्थ कार्बन, सेकंड पे कौन अटैच है, मिथाइल ग्रुप। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें ये भी बता रहा है कि इसे 1,4 एडिशन क्यों कहते हैं, और हमें ये भी बता रहा है कि वाई डज कॉल सिस फॉर्म। इस तरह ये जो पार्ट है ये बार बार रिपीट होगा। और अगर इस पार्ट में आप देखें तो ये जो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन है वो सेम साइड पर है, और क्योंकि वो सेम टाइप है हम इसे कहेंगे सिस। और जो अगला हम स्ट्रक्चर बनाएंगे आप उसमें देखिएगा, उसमें वो एक साइड में ना होकर अपोजिट साइड में जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ अपोजिट साइड में जाएंगे, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ट्रांस। तो जब वो आएगा तब उसका कंपैरिजन हम दोबारा देखेंगे। हम इलास्टोमर का सबसे ज़्यादा बेसिक टाइप पढ़ रहे हैं, वो है रबर। इलास्टोमर वो होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी कैपेसिटी होती है, वजह उनमें पीछे प्रेजेंट वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमें अलाउ करता है उसके 10 टाइम लेंथ तक उसे खींचने में। मगर साथ में इलास्टिसिटी में ये भी प्रॉपर्टी ज़रूरी है कि कुछ ऐसा फोर्स काम कर रहा हो जो उसे अपने ओरिजिनल शेप, साइज और लेंथ में लेकर आ जाए, तभी वो इलास्टोमर कहलाएगा। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है रबर, जिसकी दो वैरायटी होती है, नेचुरल और सिंथेटिक। सबसे पहले हम नेचुरल रबर पढ़ रहे हैं जो दो तरह से मिलते हैं। पहला हमने वो पढ़ा जो रबर प्लांट से मिलता है, एक वाइट लिक्विड होता है लेटेक्स, उससे इसको बनाया जाता है, जिसका मोनोमर है आइसोप्रीन। और ये आइसोप्रीन जब ये आपस में जुड़ता है तो ये जो आइसोप्रीन होता है ये 1,3 डबल बॉन्ड कंपाउंड होता है, पर ये पाई बॉन्डिंग को तोड़ के 1,4 एडिशन दिखाता है। जो फाइनली कंपाउंड मिलता है वो नॉन क्रिस्टलाइन होता है, पर उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, और कार्बन की पोजीशन पे ये सिस का एग्जांपल है। और उसके बाद में अब इसको हम कंपेयर करेंगे दूसरे नेचुरल रबर के साथ में, जो कि गट्टा पर्चा प्लांट होता है, गम प्लांट, उससे मिलता है, और हम देखेंगे कैसे उसको ट्रांस कहा जाता है। नेचुरल रबर का हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, पर इस बार इसे रबर प्लांट से न लेकर एक प्लांट का नाम होता है गट्टा पर्चा। गट्टा पर्चा एक ग्रीक नाम है जिसमें गट्टा का मतलब होता है गम, और पर्चा का मतलब होता है प्लांट। तो हम इसे गम प्लांट से बनाएंगे, और इसमें भी एक लिक्विड मिलेगा, वाइट कलर का लिक्विड, बिल्कुल उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे हमने इससे पहले रबर प्लांट के लिक्विड को ट्रीट किया था। और यदि मैं इसके मोनोमर की बात करूं तो इसका मोनोमर भी जो है सेम है। हम कंपेयर करेंगे दोनों में क्या सेम है, कौन डिफरेंट है, तो मोनोमर तो दोनों का सेम है क्योंकि इसका मोनोमर भी आइसोप्रीन है। तो उसका स्ट्रक्चर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 CCH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका मोनोमर भी वही है आइसोप्रीन। IUPAC नेम मिले तो ये है ब्यूट, IUPAC के नाम के अकॉर्डिंग ब्यूटा बढ़ाएगा इसमें, क्योंकि आगे कॉन्सोनेंट आने वाला है, ब्यूटा 1,3 डाइन। और इसमें सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो प्रीफिक्स हो जाएगा इसका 2 मिथाइल
ब्यूटाबंथ्रीडाइन, मतलब दोनों के मोनोमर में तो कोई फर्क नहीं है, और जिस तरह वो एडिशन पॉलीमर था इसमें भी पाई बॉन्डिंग है, तो ये भी एडिशन पॉलीमर होगा, मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे विदाउट लूज ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो बिल्कुल वैसे ही जुड़ेगा, ये 1,3-diene है तो एडिशन कौन सा होगा, 1,4 रिपीट, तो ये फर्स्ट इसकी क्योंकि फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी, और इसकी क्योंकि फोर्थ कार्बन की वैलेंसी भी खाली हो जाएगी, इसलिए इसे कहते हैं 1,4 एडिशन। तो ये नेचुरल नंबर, अब तो सिमिलरिटी हो गई दोनों में, और क्या सिमिलर है, इसमें भी बहुत अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, इवन कम है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अगेन प्रॉपर्टीज़ में सिमिलर देखते हैं, इससे पहले जो नेचुरल रबर पड़ा था वो भी नॉन क्रिस्टलाइन था, ये भी नॉन क्रिस्टलाइन है, मगर नॉन क्रिस्टलाइन के अलावा हमने वहाँ पढ़ा था कि वो इलास्टिक है, जबकि ये है नॉन इलास्टिक। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों का प्लांट डिफरेंट है, वो रबर प्लांट था, ये गम प्लांट नाम से जाना जाता है जिससे मिलता है, बनाने का तरीका सेम है, दोनों के मोनोमर सेम है, दोनों में 1,4 एडिशन हो रहा है, दोनों ही एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल है, दोनों ही नॉन क्रिस्टलाइन है, मगर वो जो है इलास्टिक था और ये क्या है नॉन इलास्टिक। बाकी ज्योमेट्रिकल डिफरेंस है, उसमें आइसोप्रीन जो है वो सिस था, इसमें क्या है ट्रांस। अब इसके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से हम कंपेयर करते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जब इसका ट्रांस यूनिट बनाया जाएगा तो कुछ ऐसा बनाया जाएगा, ये आपका सेकेंड और थर्ड कार्बन, इसको नंबर देते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो ये है सेकेंड और थर्ड कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड है, इसमें अटैच है ये मिथाइल ग्रुप सेकेंड वाले पर। अब ये रहा फर्स्ट कार्बन जिस पर ये पाई बॉन्ड है, और ये है थर्ड कार्बन जो फोर्थ से जुड़ा है, इसमें पाई बॉन्ड है, ये इस तरह का पोजीशन है। तो अगर हम नंबर देखें तो कुछ इस तरह है, दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। और जब हम इसको पॉलीमेरिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो ये पाई बॉन्डिंग टूटेगी, पाई बॉन्डिंग टूटते ही चार कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई, फर्स्ट की भी, सेकेंड की भी, थर्ड की और फोर्थ की भी। जब ये चारों वैलेंसी खाली हो चुकी तो फर्स्ट और फोर्थ जैसे हमने पहले सीखा था एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है, वो तो आगे की मोनोमेरिक यूनिट जोड़ने में मदद करेगा, और ये सेकेंड और थर्ड मिलकर पाई बॉन्ड बना लेंगे, तो जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ये रहा सेकेंड और थर्ड, इनके बीच में क्या बन चुका है पाई बॉन्ड, सेकेंड वाले पे मिथाइल ग्रुप है, ये फोर्थ कार्बन और ये फर्स्ट कार्बन, जिनकी क्या खाली है एक एक वैलेंसी। अब ऐसे जब n यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगे तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, अगेन फर्स्ट यूनिट बनानी पड़ेगी n यूनिट्स को जोड़ने के लिए हमको, तो अगेन हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, ये सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन जो आपस में बॉन्डेड है पाई बॉन्ड के थ्रू, ये है हमारा फर्स्ट कार्बन, ये है हमारा फोर्थ कार्बन, ये सेकेंड पे अटैच मिथाइल ग्रुप, और ये वो है बॉन्डिंग जो कि खाली है। अब हमें ऐसा कुछ zigzag स्ट्रक्चर मिलने वाला है, और जहाँ तक मैंने कहा ये ट्रांस है तो वो इसलिए ट्रांस है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कार्बन है वो अपोजिट साइड में, ये फर्स्ट कार्बन जो बॉन्ड बनाने वाला है और ये फोर्थ कार्बन जो बॉन्ड बनाने वाला है, ये अपोजिट साइड में। अब ये अपनी अगली वैलेंसी से कुछ इस तरह जुड़ता है, अगर मैं अगली यूनिट बनाऊँ तो अगली यूनिट यहाँ पर है, ये रहा कौन सा कार्बन फर्स्ट, ये किससे जुड़ा है सेकेंड से, इस तरह सेकेंड और थर्ड में क्या है पाई बॉन्ड, ये रहा उसका मिथाइल ग्रुप, ये है फोर्थ कार्बन जिसकी क्या खाली है वैलेंसी। तो ये जो फ्री वैलेंसी होती है, देखिएगा फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड और फोर्थ, ये फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड और ये फोर्थ, तो ये आपस में मिलकर इस तरह एक बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं डायगोनल, तो इनके बीच में इस तरह एक बॉन्ड बन जाएगा दोनों की फ्री वैलेंसी से। उस तरह मतलब अगले में क्या होगा, ये रहा फोर्थ, ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा फर्स्ट के साथ में, तो ये वापस एक स्ट्रक्चर मिल गया, ये फर्स्ट कार्बन का और ये
फर्स्ट कार्बन जो सेकंड से अटैच है, इनमें क्या है डबल बॉन्ड, ये एक मिथाइल ग्रुप, ये फोर्थ कार्बन से अटैच है जिसमें क्या है एक फ्री वैलेंसी आ चुकी है जो अगेन किससे जुड़ेगी, फर्स्ट कार्बन से। इसका मतलब ही इस तरह की यूनिट जो है वो रिपीट होती जाएगी जिसमें ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन ये बार बार रिपीट हो रहा है। और यदि आप कार्बन की पोजीशन देखें, फर्स्ट कार्बन की और फोर्थ कार्बन की जो एडिशन शो कर रहे हैं तो वो सेम साइड में थे। यहाँ कंपेयर करें, यहाँ ये फर्स्ट और फोर्थ के सेम साइड में थे, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सिस, और ये फर्स्ट और फोर्थ क्योंकि अपोजिट साइड में है तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड ट्रांस। तो इस तरह दो तरह के नेचुरल नंबर हैं, उनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं और कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। अगर हम कंपेयर करें कॉमन और डिफरेंट बेसिस पे, तो हम आराम से देख सकते हैं कॉमन में क्या है उनके बीच में। तो अगर हम कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या उनमें, मोनोमर कॉमन, दोनों का मोनोमर कौन है, आइसोप्रीन कॉमन नेम और ब्यूट 139 IUPAC ने। दूसरा दोनों ही नॉन क्रिस्टलाइन है, ये कॉमन है। ये कॉमन पॉइंट हो गए। डिफरेंट की बात करें, इलास्टिसिटी में डिफरेंस है, जिसमें रबर प्लांट से मिला इलास्टिक है और ये क्या है नॉन इलास्टिक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दोनों के फ़र्क है, क्योंकि जो नेचुरल रबर पहला वाला हमने पढ़ा वो सिस है और ये कैसा है ट्रांस है। तो इस तरह ये दो एग्जांपल होते हैं नेचुरल रबर के।